गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में एक चैप्टर नंबर 4 का एक नया टॉपिक जो है माप की इकाइयां, इसके बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको मैं हल करूंगा। तो देखिए, माप मतलब किसी चीज को मेजर करना, मापन जो है माप है, किसी चीज को नापना, इसकी लंबाई भी नापी जा सकती है, उसका वेट भी, भार भी नापा जा सकता है और आयतन भी उसका मापा जा सकता है। देखिए, जो मापक की जो मेन इकाई है कि जो आपके पास सीढ़ी दिख रही है, अगर इसी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। हम देखिए, सबसे निचले पायदान, सबसे निचला पायदान जो है सीढ़ी का जो निचला डंडी है वहाँ पे लिखा है मिली, तो उसके बाद सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, फिर डेक्का, फिर हेक्टो, फिर किलो। अब देखिए, अगर हम लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई किसमें मापते हैं, सबको पता होना चाहिए कि लंबाई को मापने का जो पैमाना है वो मीटर है। तो अगर हम लंबाई माप रहे होंगे तब हम इसको लिखेंगे मिलीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, फिर किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम भार माप रहे होंगे तो इसको कहेंगे मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम, ठीक है। और अगर हम आयतन माप रहे होंगे तब आयतन को मापने का जो पैमाना है वो लीटर होता है, लिक्विड है, तो इसमें छोटे भी मात्रक होते हैं लीटर से और बड़े भी मात्रक होते हैं। तो ये छोटे में आपका आ जाएगा मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, फिर स्क्वायर लीटर, फिर डेका लीटर, फिर हेक्टो लीटर, फिर किलो लीटर, यानी एक चीज इसके ऊपर के जो है वो लीटर से बड़े पैमाने हैं और इसके नीचे जो है वो लीटर से छोटे पैमाने हैं, ठीक। अब कुछ चीजें जो है उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जैसे हमको पता हो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होगा और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा और एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। यानी अगर हम इसको इधर आते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ आते हैं तो हम इसमें 10 से गुणा करते हैं, ठीक। और जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हर स्टेप पर 10 से भाग करते हैं। यानी जब हम ऊपर से नीचे तरफ आएंगे तो जब एक डंडी नीचे आएंगे तो 10 से गुणा करेंगे, दो डंडी आएंगे तो 100 से करेंगे और तीन डंडी आएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। यानी जैसे जैसे हम नीचे आते हैं हर स्टेप पर 10 गुना हो 10 से गुणा करते चले जाते हैं। और वही तरीका है इस साइड जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। और जैसे इसमें देखिए, अगर हमारे पास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम या 1 किलोलीटर या 1 किलोमीटर, तो इसको अगर छोटी यूनिट में लाओगे तो यह जो है 10 हेक्टोमीटर या 10 हेक्टोमीटर या 10 हेक्टोग्राम हो जाएगा। तो इसका और नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा, 100 डेकाग्राम हो जाएगा। डेकामीटर भी हो सकता है, डेका लीटर भी हो सकता है, जो हम मेजर करते होंगे उसके पैटर्न ले लेंगे। अब देखिए, अगर हमको 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो क्या होगा, हम यहाँ पे आएंगे इस स्टेप पे, यहाँ पे पाए कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1000 ग्राम। यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम और 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम। उसी तरह से 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 1000 मिलीलीटर। लीटर है तो लीटर में, मीटर है तो मीटर में, ग्राम है तो ग्राम में, इसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर लेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जब बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से गुणा कर हर स्टेप पर 10 से गुणा करेंगे, हर स्टेप पर 10 से गुणा करेंगे। और जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट ले जाएंगे तो हर स्टेप पर उसके 10 गुना से भाग देंगे। जैसे अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिनट होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं उसको आपको जानना है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। जैसे क्या, एक लंबाई का मात्रक मैं बता रहा हूँ, लंबाई का मात्रक एक जो है मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर
प्लस डेसीमीटर, डेसीमीटर, और एक मीटर बराबर कितना 1000 मिली मीटर। अगर लीटर में सब जगह यहाँ पे लीटर हो जाए, ठीक है। उसी तरह से बर्ड जो है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 100 प्लस 30 रेखा मीटर, ठीक है। उसी तरह से 1 किलोमीटर किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि अगर यहाँ पे हम जहां पे मीटर लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम लीटर लिख दें, क्या लिख दें, लीटर, लीटर लिख देंगे तो यहाँ पे जहां जहां लीटर है सब जगह लीटर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ग्राम लिख दें, ग्राम, तो 1 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 100 सेंटीग्राम, इस तरह से सब जगह ग्राम ग्राम हो जाएगा, ठीक। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमको काम करना है, ठीक है। तो टेबल को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ और कुछ क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 1 का कुछ पार्ट में आपसे यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। देखिए पहला पार्ट क्या है कि 7 मीटर को किलोमीटर में बदलना है। 7 मीटर, देखिए मीटर यहाँ पे है, मीटर से छोटी यूनिट को हमको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को हमको बड़ी यूनिट मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हर स्टेप पर 10 से भाग देते हैं। हर स्टेप क्या करते हैं, हर स्टेप पर प्रत्येक स्टेप पर 10 से भाग देते हैं। तो हम कितना स्टेप जा रहे हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप जा रहे हैं, यानी इसके न्यूमेरिकल वैल्यू को हमको 3 स्टेप जा रहे हैं तो 10 × 10 × 10 × 10 × 100 × 100 यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा। देखिए कैसे हम पहला पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, क्या चीज, 7 मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर में जान लीजिए, हम जानते हैं क्या चीज, ये चीज हमें पता है 1 किलोमीटर किमी बराबर 1000 मीटर, ठीक। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 मीटर बराबर स्क्वायर में ले क्या हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर, ठीक। कितना है यहाँ पे, 7 मीटर है, इसलिए 7 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 1/1000, ये बराबर हो जाएगा 7/1000। जब इसको दशमलव में बदल देंगे क्या आएगा, 0.123 आपके पास होना चाहिए, 1000 आपके पास है, 2 जीरो बढ़ा देंगे 0.07, यानी 0.007 किलोमीटर। यानी जब हम 7 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे कितना आएगा, 0.007, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका है बेटा, पहला पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, ध्यान दीजिए सेकेंड पार्ट, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना, देखिए यहां से देखिए कितना स्टेप आ रहे हैं, 1 स्टेप आ रहा है 10, 2 स्टेप आ रहा है तो
मीटर, ठीक है, तीन पार्ट कर दिए हैं, आगे चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे क्या हो जाएगा, 2100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, ठीक है, इसलिए 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर, इसलिए 1/100 बटा 100 बराबर 15 बटा 100 ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसको देखिए ढेर सारे कन्वर्जन दिए हैं, इसको आप ट्राई करिएगा, जो आपसे हो जाएगा, जो नहीं होगा उसको हम आपको कराएंगे, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे जो संख्या प्राप्त होगी वो बड़ी संख्या होगी या फिर छोटी संख्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट बदलेंगे तो जो संख्या आएगा वो जाहिर सी बात है बड़ा आएगा, ठीक है। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर तो हो जाएगा जो है तो संख्या प्राप्त होगी, संख्या कैसी प्राप्त होगी, बड़ी संख्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। देखिए कैसे, जैसे अगर आपसे कह दें, जैसे कह दिया जाए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, याद रखिए यहां पर देखिए कि संख्या है ये है, लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। तो जाहिर सी बात है कि जब मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। देखिए जो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3, वो लिखा है कि निम्न को परिवर्तित करते समय आप दशमलव को बाईं ओर स्थानांतरित करते हैं या दाईं ओर और कितने स्थानों तक। इसमें जो पहला आपका लिखा है वो लिखा है मीटर को सेंटीमीटर में जब हम बदलते हैं तो दशमलव को हम दाईं ओर करते हैं या फिर बाईं ओर करते हैं और कितने स्थानों तक करते हैं, ये चीज हम लोग को पता है। देखिए जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो दशमलव को 2 स्थान दाईं ओर भेजते हैं, कैसे है? देखिए जैसे आपसे कहते हैं 0.1 मीटर अगर है इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, ये आपका आता है 1.0 × 100 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दशमलव देखिए आप दशमलव यहाँ पे लगाएंगे, दशमलव यहाँ पे था वो क्या हुआ, यहाँ पे था मन और जीरो के बीच में ये 2 स्थान दाएं तरफ शिफ्ट हो गया, इसीलिए 2 स्थान दाएं। उसी प्रकार किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर 1 किमी ऐसा कर लो, 1.0 किमी बराबर क्या होगा, देखो 1.0 × 1000 ये किसमें बदलेगा, ये तो आपका सेंटीमीटर में आया था, ये आपका किसमें आएगा, मीटर में आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे 0.0, यानी जहां भी था इसके बीच में 1 स्थान 2 स्थान
तीन स्थान दाहिने तरफ चला गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है, इतना मीटर आ गया। उसी प्रकार जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, यानी इधर से उधर ले जाएंगे, तो ये जो है जहाँ पे है यहाँ से तीन स्थान बाईं तरफ घूम जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए मिलीग्राम को मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे, यानी छोटी मिनट को जो बड़े में ले जाएंगे, तो फिर से वो बाईं तरफ चला जाएगा, यानी तीन स्थान बाईं तरफ चला जाएगा। सिंपल सी बात जान लीजिए, जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो हम बाईं तरफ जाते हैं, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो हम दाहिने तरफ जाते हैं। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखा है कि सैमसन 5.5 किलोग्राम भार का एक थैला ले जा रहा है, करा इसमें कितने ग्राम हैं? यानी ये बताना है कि वो जो है 5 किलोग्राम भार का था, तो उसको ग्राम में हमको चेंज कर देना है। सिंपल सा इसका जवाब होना चाहिए, यानी कि जो किलोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दें। क्या देखिए कितना दिया है, जो है थैले का भार कितना है, थैले का भार बराबर कितना, 5.5 किलोग्राम, इतना किलोग्राम का, ठीक है। अब करंट को हमको बदलना है इसमें ग्राम में, तो हम क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि ये 1 किलोग्राम के बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो कितना है, इसलिए 5.5 किलोग्राम किलोग्राम बराबर हो जाएगा 5.5 गुणे 1000, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 जो उसके बाद देखिए 1 2 3 0, लेकिन दसवें लगेगा 1 घंटे पर दसवें लग जाएगा, यानी कितना क्या इतना ग्राम, ठीक है। या इस क्वेश्चन में सकते हो 5500 ग्राम, यहाँ कितनी दसवें है ग्राम, ये आपका रिजल्ट होगा। इस तरह से एक आपका जो है एक्सरसाइज साथ साथ ये चैप्टर भी अब क्लोज हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।